तो ये लो दोस्तों, शाम के लगभग 7 बज चुके हैं और जून का महीना चल रहा है। 20 जून है, यानी कि सबसे बड़े दिन 21 जून 22 जून के आसपास पहुंच रहे हैं। तो देखिए शाम के 7 बजे भी कितना उजाला है घाटी में। और ये देखो टॉर्च लगा ली है मैंने, क्योंकि मैं जा रहा हूँ राणा जी के बालक के मुंडन में, और आते हुए रात को लेट हो सकती है, तो अपने लिए टॉर्च की व्यवस्था। और हल्की फुल्की बारिश भी लगी है, सावन का महीना आ गया है, तो छतरी भी ले ली है। और बाकी बहुत मिस करता हूँ लड्डू को, अकेला रहता हूँ, लड्डू भी होता तो कितना अच्छा होता। पर जल्दी एक लड्डू जैसा और कुत्ता लेके आऊँगा जो मेरे साथ रहे लंबे समय तक इस बार। तो चलो बने रहें अपने गंतव्य पे और जल्दी से चलें मुंडन की पार्टी में। तो ये लीजिए, पहुँच चुका हूँ मैं राणा जी के बालक के मुंडन में। और ये देखिए शानदार, यहाँ हमारे देवू भाई चाउमीन बनाते हुए, और साथ में अन्य मित्र भी हैं। और देखिए एक बड़ी भलियारी में पानी गर्म होते हुए, इसमें चावल बनेगा। अच्छा, तो इसमें भात बनेगा। और ये गेड़ू में शायद दाल बन रही है। वाह, यही तो है आनंद पहाड़ों का, तो मज़ा आ गया है। अब बस जरूरत है थोड़ी सी शराब की। तो ये देखिए राणा जी के बालक के मुंडन में गर्मा गर्म जलेबी बनती हुई। हाँ, आनंद ही कुछ और है। और कई महानुभाव बैठे हैं जो आनंद ले रहे हैं गर्मा गर्म जलेबियों का। तो ये लीजिए भुजी बनती हुई मिक्स वेज, बहुत ही शानदार। और यहाँ देखिए गेड़ू में पकती हुई दाल। तो आज तो मुझे लग रहा है इस भोज में आनंद ही आनंद है। वाह, बड़े। लीजिए मुंडन का शुभ कार्य पूजा शुरू हो चुकी है। तो ये लीजिए, आज आपका स्वागत कर रहा हूँ दिव्य फ्योला नारायण बुग्याल से, जहाँ पहुँचने में करीब हमें 3 से 4 घंटे का समय लगा, क्योंकि बहुत ही खड़ी चढ़ाई थी। और अब यहाँ पहुँच गए हैं श्री फ्योला नारायण भगवान के चरणों पे, तो आनंद लेंगे यहाँ पर। और सबसे खास बात है यहाँ धुने में लगने वाला ये बड़ा पेड़। तो देखिए कितना बड़ा वृक्ष है जिसे यहाँ धुने में लगा दिया गया है। और बता रहे हैं कि 1 महीने तक ये यहाँ प्रभु के चरणों पे जलता रहेगा, और शायद भादों के महीने में एक पेड़ की और ज़रूरत रहेगी, तो असूज तक इस बार यहाँ रहेंगे। बहुत ही प्रभावशाली मंदिर लग रहा है और अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं यहाँ से, ख़ासतौर पर इस बड़े से वृक्ष को देख के, कि इसके पीछे लगने वाली मेहनत से आप अंदर से ही आत्मविभोर होते हैं। भले ही आपने ना की वो मेहनत, लेकिन देख के आपको पता लगता है कि ये भी किया जा सकता है। तो ये लीजिए भोजन की तैयारी हो गई है, और अब लगा रहे हैं सचिन भाई हमारे दाल पे तड़का, तो बहुत ही आनंद आने वाला है। दाल हमने इसमें उबाल ली है कुकर में। वो देखिए बड़ा वाला पेड़ जो धुने में, पूरा का पूरा पेड़ ही है यहाँ तो। और ये लीजिए तड़का आ गया है यहाँ। हाँ, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। सचिन भाई ऑर्डर देते हुए, ले लीजिए हमने कर दी ऑर्डर की पूर्ति। तो ये लीजिए दाल में लग गया तड़का, दुनिया भर का आ रहा है इसमें से धुआं, पर फिर भी बढ़िया लग रही है। अब इसको तड़के में हम मिक्स कर देंगे फटाफट। तो ये फ्योला नारायण का मंदिर है, तो यहाँ प्याज और लहसुन का सेवन नहीं होता है, फिर भी गजब की दाल बनी है। चलो आ जाओ, उठाओ, मैंने भी उठाना है। हाँ। रखो यहीं पे, यहीं पे छोड़। ठीक है, तुम थोड़ी सी वो तेज करोगे क्या आग? हाँ, हो जाएगी। मेरे फोन से निकालो। तो ये लीजिए जो गौचर के पास रास्ता बहा है, तो उसे उस इस पार से उस पार क्रॉस करने के लिए बगल वाले गांव कमेड़ा से जंगल में चढ़ रहे हैं खेतों से होते हुए।
और पूरे गदरे को ऊपर से क्रॉस करके उस पार उतरेंगे। तो ऐसा होता रहता है पहाड़ में, नॉर्मल सी बात है। किसी जमाने में सिरो बगड़ भी बहुत भयंकर आया था, तो उसमें भी हमने पूरे बगड़ को चढ़ के ऊपर से क्रॉस किया था। और आज इसकी बारी है गोचर कमेड़ा की। तो ये देखिए, ये है वो खतरनाक गदरा जो फट गया था ठीक गोचर के बाद, और इसी गदरे ने तबाही लाई है नीचे जहां वो रोड बह गई है। तो पूरा ये पहाड़ चढ़ के मैं यहाँ गदरे पे उतरा हूँ और अब इस तरफ से वापस घर को जा रहा हूँ। तो गोचर के उस पार है हमारा घर, और ये देखिए इस गदरे ने क्या तबाही मचाई है। ऊपर से बहता आया है सब कुछ लेकर अपने साथ और नीचे को ले जा रहा है। तो ये देखिए, ये है वो बमौत का गदरा जो ऊपर से आया और ले गया सारा हिसाब किताब। तो यहाँ पर नीचे देख सकते हैं आप, गोल वाले वो डाले हुए थे लेकिन कलवट नहीं थी शायद यहाँ पर, और गदरा बहुत भीषण आया और वो देखिए पूरी सड़क को लील गया। तो ये देखिए, ये है क्षतिग्रस्त मार्ग जो गोचर और कमेड़ा के बीच में, सामने से आप देख सकते हैं अलकनंदा नदी अपने संपूर्ण प्रभाव में। और वो देखिए, ये है वो गदरा जो फट गया था। और ये देखिए बस वहाँ से निकलने की कोशिश करती हुई, थोड़ा बहुत रास्ता बना दिया गया पैदल मार्ग, देख सकते हैं आप ये कैसे यहाँ पर मलबा भरान करके खोला गया है। रोड यहाँ पर थी नीचे, और ऊपर जो कटिंग आई टूट के आई है उसी पर ही मिट्टी की सड़क बना दी गई है। तो अभी पैदल यात्रियों के लिए खोला गया है मार्ग, और गाड़ियों के लिए अभी मना किया गया है क्योंकि मिट्टी का मार्ग है, धंस सकता है, गाड़ी के गिरने का भय है।